प्यारे बच्चों, आज की कहानी है हाथी और दर्जी। हाथी तो आप जानते होंगे, उसे ठंडे पानी में नहाने का बहुत शौक होता है। एक हाथी था, उसका नाम था भोलू और वो सुरमई रंग का हाथी था। वो एक घने और सरसब्ज जंगल में रहता था। उस जंगल के करीब एक गांव था। उस गांव के लोग हाथियों से बहुत प्यार करते थे और उनके साथ मोहब्बत से पेश आते थे। भोलू भी अक्सर गाँव में आता जाता रहता था। गांव के शुरू में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी गांव के लोगों के कपड़े सीता था। उसकी दुकान की खिड़की नदी की तरफ खुलती थी। भोलू जब भी नदी पर नहाने जाता, साथ साथ गाता जाता। हाथी झूम तो भला, खाए गुड़ का डला, गुड़ मीठा है बड़ा, झूम रे हाथी झूम, धरती को चूम, धूम मचा दे धूम। पर वो दर्जी से जरूर मिलता। वो अपनी सूंड को दर्जी की खिड़की में डाल देता। दर्जी प्यार से खाने की कोई चीज उसकी सूंड में पकड़ा देता। इससे दोनों की दोस्ती सालों से कायम थी। बच्चों, इंसान हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी कभार वो बीमार या परेशान भी हो जाता है। इसी तरह दर्जी एक दिन बहुत परेशान था। हाथी झूमता और गाता हुआ चला आ रहा था। हाथी झूम तो भला, खाए गुड़ का डला, गुड़ मीठा है बड़ा, झूम रे हाथी झूम, धरती को चूम, धूम मजा दे धूम। जैसे ही भोलू ने रोज की तरह अपनी सूंड खिड़की में डाली और जोर से चिंगाड़ा, तो दर्जी को इसकी आवाज से बेजारी हुई। उसने एक सुई उसकी सूंड में चबो दी। हाथी को बहुत तकलीफ हुई। वो चिंगाड़ा और नदी की तरफ भागा। थोड़ा आगे जाकर वो नदी में घुस गया और अपने ऊपर सूंड से पानी डालने लगा। वो नहाता जाता और गाता जाता। हाथी दुखी है बड़ा, दर्जी गंदा है बड़ा, मुझे सुई दी चुबा, मैं भी बदला लूँगा। वो गाता गया और नहाता गया और बदला लेने की कोई तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते उसे ख्याल आया और उसने सूंड में कीचड़ भर लिया कि दर्जी के कपड़ों पर डालूंगा। फिर वो दर्जी की दुकान की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक बूढ़ा हाथी उसे मिला। भोलू ने अपनी दुख भरी कहानी उसे सुनाई। बूढ़े हाथी ने मशवरा दिया कि वह सालों पुरानी दोस्ती को यूँ ख़त्म ना करे। भोलू को दर्जी की मोहब्बत याद आई तो उसे भी ख्याल आया, दर्जी के कपड़ों पर कीचड़ लगाना अच्छा काम नहीं है। वो बूढ़े हाथी से रुखसत हुआ और खामोशी से घने जंगल में गायब हो गया। अगले दिन भोलू नदी में नहाने के लिए आया तो वो गीत नहीं गा रहा था। दर्जी की खिड़की के पास से गुजरते हुए उसे ख्याल आया कि वो देखे तो सही दर्जी का मिजाज आज कैसा है। वो दर्जी की खिड़की के पास पहुंचकर चिंगाड़ा। दर्जी ने जल्दी से सर बाहर निकाला और भोलू को प्यार से चमकारा। भोलू की आंखों में मौजूद आंसू उसे नजर आ गए, जैसे वो कह रहा हो, दोस्त मैं तुमसे नाराज हूँ। दर्जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने भोलू से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे माफ़ कर देना, मैं कल बहुत परेशान था और बेख्याली में मैंने तुम्हें सुई चबो दी, मैं शर्मिंदा हूँ बहुत ज़्यादा। भोलू अपने दोस्त की परेशानी और शर्मिंदगी को महसूस करते हुए अपनी नाराज़गी भूल गया। दर्जी ने उसे रोटी का एक टुकड़ा दिया और भोलू गाता झूमता नदी की तरफ चल पड़ा। उसके दोस्त को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और भोलू गलती करने से बच गया। देखा बच्चों, हाथी और दर्जी के दरमियान जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई और हाथी कोई बुरा काम बुरी बात सोचने से बच गया और दोनों ने दोस्ती हो गई दोबारा।